हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम बात करेंगे मेरिको लिमिटेड के बारे में। पहले इसका फंडामेंटली ये शेयर कैसा है वो देखेंगे, उसके बाद टेक्निकली कैसा है वो देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस ए मेरिको आज क्लोज हुआ है 575 में। इसका आज का हाई है 575.90। ये लगभग मान लीजिए यही आपका 52 इस हाई है, और आपका आज का लो गया था 558.50 और 52 वीक लो है 333, मतलब 333। ओके, इसका मार्केट कैपिटल है 74,282 करोड़। पीई रेशियो है आपका 66.74। आपको हो सकता है कि ज्यादा लग रहा है पीई रेशियो, लेकिन उसका एक बार सेक्टर का पीवी भी देख लेते हैं। सेक्टर का पीवी देखिए 74.64 है, तो इस हिसाब से पीई रेशियो ठीक ही है। डिविडेंड भी दे रहा है 1.34%। हाथ में कैश भी है कंपनी का 711 करोड़। डेट है 142 करोड़। देखिए डेट जो 142 करोड़ है मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी बहुत कम है, और कंपनी चाहे तो कैश इतना उसके पास है कि कभी भी ये डेट दे सकता है। ठीक है, तो डेट को लेकर आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लगभग ये डेट फ्री शेयर मान के चलिए, क्योंकि उसके पास इतना कैपिटल है कि, और इतना कैश नहीं भी है, अभी इतना कैश है कि कभी भी ये डेट कंप्लीट कर दे सकता है। ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग है इसका 59.60, बढ़िया है। आगे जाकर देखेंगे कि प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है इसमें कोई प्लेज है कि नहीं है। ठीक है, और आपका ईपीएस देखिए है, मतलब अर्निंग पर शेयर है 8.62, लगभग अभी जो कोरोना का टाइम में ठीक ही है। सेल्स ग्रोथ भी 8.27 अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37.69 बढ़िया है, आरओसी 43.17 ये भी बढ़िया है। आपका प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए 9.83, बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो भी पॉइंट देख रहा हो वो सभी आपको अच्छा दिखने को मिलेगा इस शेयर में। ठीक है, अभी देखिए इसका, ये तो पहले ही बता चुका हूं, तो अभी देखिए इसका डेप्थ और इक्विटी का जो रेशियो है 0.05, बहुत ही कम। कैश फ्लो 1 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, थोड़ा कम है लेकिन बुरा नहीं है। 9.0.90 भी खराब नहीं है, एवरेज है, मतलब अच्छा भी नहीं है खराब भी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका देखिए प्लेज देख लेते हैं। देखिए 59.61 प्रमोटर का जो होल्डिंग है उसमें कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, ये भी एक बढ़िया शेयर की निशानी है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट सेल कितना है। देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट सेल भी आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से ही बड़ा है। पिछले क्वार्टर था 1604, अभी ये बढ़ के हुआ है 2043, अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पहले था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 234, अभी ये बढ़ के हुआ है 341 है क्वार्टर एंड क्वार्टर में। जो भी मैं फिगर बोल रहा हूँ आपका करोड़ में बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इसका स्क्रोल करके। अभी देखिए ईयरली अगर नेट सेल देखेंगे तो वो भी बड़ा है। मार्च 2020 में था 5853, मार्च 2021 में 6337। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1117 था और अभी ये बढ़ के हुआ है 1151। नेट प्रॉफिट देखिए इसका 2020 में था 1007, अभी ये बढ़ के हुआ है 1106। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व देखिए, रिजर्व भी बढ़ा है पिछले साल से। पिछले साल रिजर्व था 2759, वो बढ़ के हुआ है 2906। करंट लायबिलिटी देखिए कितना है 1332। और अभी करंट एसेट थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट एसेट इसका है 2809, मतलब डबल से भी ज्यादा, तो एक बहुत ही एक बढ़िया साइन है किसी भी शेयर का। फंडामेंटली अगर किसी भी शेयर का एसेट करंट लायबिलिटी से करंट एसेट डबल रहे तो बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे तो डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले साल था 970, अभी ये बढ़ के हुआ है 1682। मतलब फंडामेंटली ये एक ऐसा शेयर है जिसने आपको एक भी, मेरे हिसाब से एक भी आपको कुछ एरर, कुछ कमी देखने को नहीं मिला। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखिए डिविडेंड भी अच्छा देता है। और एक चीज बता देता हूं आपको, इसमें देखिए आपका, एक मिनट, आपका देखिए 28 अगस्त का एक न्यूज है जिसमें बोल रहा है कि मारिको एमिंग 13-15% रेवेन्यू ग्रोथ इन द मीडियम टर्म बैक्ड बाय
8 or 10% raise in volume and will continue to invest in brand building to support the growth initiative. मतलब क्या है, बिजनेस में आपका ग्रोथ लाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी होगा और रेवेन्यू मारिको का टारगेट है मीडियम टर्म में 13-15%. ठीक है, अभी आपका थोड़ा सा इसका मैं टेक्निकल भी देख लेते हैं. टेक्निकल देखिए, वन डे का चार्ट है. वन डे का चार्ट में मैं देखिए दो येलो लाइन लगा के रखा हूं. ठीक है, तो ए वाला एक लाइन और ए वाला एक लाइन. ये देखिए एक सपोर्ट था, वो तोड़ के अभी शेयर ऊपर है. अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, जब तक ये ट्रेन लाइन टूटता नहीं है तब तक ये शेयर में हाई होने का चांस बहुत बढ़िया है. आरएसआई देखिए, इसका भी आपका अबव 60 आरएसआई है, ये बहुत ही बढ़िया है. आपका एमएसईडी भी इसको बाई बोल रहा है. यहाँ पे देखिए आपका सुपर 10 भी इसको बाई बोल रहा है. ये शेयर अभी 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डे चार्ट में. ठीक है, थोड़ा सा इसका मंथ वीकली चार्ट भी देख लेते हैं. एक मिनट देखिए, वीकली चार्ट में भी देखिए यहाँ पे एक फॉल हुआ था, उसके बाद फिर से सुपर 10 ने इसको खरीदने के लिए सिग्नल दिया है. एमएसईडी गिर रहा था लेकिन गिरा नहीं है, आपका ऊपर ही है और आरएसआई तो अबव 60 है ही. ठीक है, और अभी भी वीकली चार्ट में भी एक प्राइस, शेयर का प्राइस 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. ठीक है, एक मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं. हाँ देखिए, 100 डेज ए वाला है 50 डेज मूविंग एवरेज, ए वाला 100 डेज मूविंग एवरेज, ए वाला 200 डेज मूविंग एवरेज. ठीक है, थोड़ा सा इसका हम अभी मंथली चार्ट भी देख लेते हैं. मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, एक मिनट. मंथली चार्ट में आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड है. मतलब हर एक महीने ये शेयर लगभग बढ़ रहा है और मंथली चार्ट में भी ये शेयर तीनों मूविंग एवरेज जो मैं देखता हूं उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आरएसआई और एमएसईडी भी सेल बोल रहा है. तो ये शेयर अभी एक बहुत अच्छा पोजिशन में आप लोगों को ट्रेड करने को दिख रहा है. अगर आप इसी प्राइस में, मतलब 5.7 दिखा आज का जो क्लोजिंग है, इसी प्राइस में अगर ये शेयर खरीदेंगे, मुझे जो लगता है कि ये शेयर 650 तक तो मिनिमम जाएगा ही. लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप आपका जो खुद का जो मतलब आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं. मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं, आप लोगों को कुछ शेयर खरीदने के लिए बात सेल करने के लिए बोल नहीं सकता. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि मैं हर रोज जो अच्छा अच्छा शेयर के बारे में वीडियो डालता हूँ आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए. और एक चीज, में अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को एक लाइक भी दे दीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि आप लोगों का जो वीडियो को जो आप लोग लाइक देते हैं वो क्या करता है, मुझे एनर्जी देता है और भी ज्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए. धन्यवाद.